Hello friends, today we will study prejudice, characteristics and development. यानी कि आज के हमारा अध्ययन का विषय रहेगा पूर्वाग्रह, उसकी विशेषताएं और कैसे उसका विकास होता है. Now let us go for the prejudice definition. These are the negative attitude towards members of specific social groups based solely on their membership in these groups. For example, people belonging to different races, different gender, sex, religion, community, caste, etc. यानी कि पूर्वाग्रह जो है किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के प्रति ऋणात्मक अभिवृत्ति होती है, या कि यानी कि नेगेटिव अभिवृत्ति मीन्स नेगेटिव एटीट्यूड. इसको सिंपल समझे, अगर कोई व्यक्ति किसी सामाजिक समूह का सदस्य है, यहाँ पर सामाजिक समूह का अर्थ होता है, हर एक परिवार भी एक सामाजिक समूह है, एक कम्युनिटी एक सामाजिक समूह है, एक जाति प्रथा जो भारत में काफ़ी प्रचलित है वो भी एक सामाजिक समूह है, एक राष्ट्र, एक जिला, एक राज्य, एक गांव भी एक सामाजिक समूह है. यानी कि किसी भी सामाजिक समूह के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखना प्रेजुडिस कहलाया जाएगा, यानी पूर्वाग्रह कहलाया जाएगा. अब हम इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं पर बात करते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह की कुछ विशेषताएँ होती हैं. इट इज़ अ प्री कंसीव जजमेंट और ओपिनियन, यानी कि पहले से ही मन में यह क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या होता है, मन में पहले से स्थिर कर लिया गया कोई निर्णय या कोई राय होती है किसी सामाजिक समूह के प्रति. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पर हम जाते हैं, इट हैज़ अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड हेटेड विच इज इट्स कॉग्निटिव कंपोनेंट. ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगता है, यानी कि एक अनुचित और नापसंद और घृणा की भावना होती है किसी सामाजिक समूह के प्रति. और ये जो है, जो ये सामाजिक थिंकिंग है, अनुचित है, नापसंद है या घृणा है, ये एक तरह की थिंकिंग होती है, सोच होती है, और ये सोच प्रेजुडिस का यानी नेगेटिव एटीट्यूड का एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है. यानी प्रेजुडिस के भी कंपोनेंट्स होते हैं, भावनात्मक कंपोनेंट होता है, एक कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है. यानी कि जो ये अनुचित तरह से सोचना, किसी के प्रति नापसंद करना, किसी के से घृणा करना, ये एक सोच होती है, और ये सोच उस प्रेजुडिस का यानी पूर्वाग्रह का कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी संज्ञानात्मक घटक होता है. अब जब प्रेजुडिस है तो ये प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह एटीट्यूड का अफेक्टिव कंपोनेंट होता है. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एटीट्यूड्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ABC, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव. यानी जो पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, दिस इज द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. प्रेजुडिस में आल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू डिस्क्रिमिनेशन. कई बार जो प्रेजुडिस है, ज़्यादा देखा गया है, भेदभाव में भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि दोनों का लगभग कई बार दोनों अगले हम देखतेंगे अगला करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि यूजुअली आमतौर पर प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन फाउंड टुगेदर, यानी कि पूर्वाग्रह और भेदभाव दोनों लगभग एक साथ पाए जाते हैं. यानी कि दोनों कई बार एक साथ पाए जाते हैं. दिस द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स. यूजुअली आप इधर देख सकते हैं, यूजुअली यानी आमतौर पर पूर्वाग्रह और भेदभाव एक साथ पाए जाते हैं. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज प्रेजुडिस आल्सो एग्जिस्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ये जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ हों, यानी प्रेजुडिस से ही डिस्क्रिमिनेशन बने. और कई बार हम ऐसे भी देखा जाता है कि जो पूर्वाग्रह है, बिना भेदभाव के भी वो पाया जाता है. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सिमिलरली डिस्क्रिमिनेशन आल्सो एग्जिस्ट विदाउट प्रेजुडिस, यानी कि भेदभाव भी बिना पूर्वाग्रह के उत्पन्न हो सकता है और पाया जाता है. अब आप देखेंगे कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का हम देखते हैं कि प्रेजुडिस आर लर्न्ड बिहेवियरल टेंडेंसी. जैसे मैंने आपको एटीट्यूड्स के बारे में बताया था कि प्रेजुडिस जो है यानी पूर्वाग्रह है, कोई व्यवहार नहीं है ये, बल्कि व्यवहार करने की एक प्रवृत्ति है और वो भी सीखी गई. दिस मीन्स पूर्वाग्रह एक ऐसी व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जो सीखी गई होती है, और वो कई तरह से हम सीख सकते हैं उसको. मुख्य रूप से हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से यानी प्रेक्षण विधि से इसको सीखते हैं, कई बार एसोसिएशन से सीखते हैं. वहाँ आगे उस बात पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जब प्रेजुडिस का विकास होता है, यानी पूर्वाग्रह विकास किस प्रकार होता है, तो इन दैट स्लाइड विल डिस्कस दिस इश्यूज. नाउ लेट अस सी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रेजुडिस. अगली साइड ऑफ प्रेजुडिस यानी जो पूर्वाग्रह है उसकी कितना खतरनाक एक पक्ष है, आप देखेंगे कि प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन ने, दोनों ने आपस में मिलके, उसके कॉम्बिनेशन ने दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि
मास किलिंग्स को भी अंजाम दिया है. यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैज लेड टू मास किलिंग्स इन द पास्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. आप देखेंगे कि नाजी जर्मनी की यादें आज भी हमारे अंदर ताजा हैं. भारत में आप देखेंगे मास किलिंग्स तो नहीं, मास एक्सोडस हुआ है. कश्मीर में आप देखेंगे कश्मीरी पंडितों का जो कि एक प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का प्रभाव रहा है. और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत के अंदर कास्ट बेस्ड प्रिजुडिस कम डिस्क्रिमिनेशन दोनों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है. कास्ट के रूप में आप देखते हैं एंड विच इज द मोस्ट इनह्यूमन फॉर्म स्टिल एग्जिस्ट इन मॉडर्न इंडिया. आज भी एग्जिस्ट है. ये कितनी बेहुदा और कितनी शर्मनाक बात है कि भारत में जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति डिसाइड होती है और उसी जाति के प्रभाव में या उस जाति के समूह के सदस्य होने पर उन व्यक्तियों के बीच में प्रिजुडिस और पूर्वाग्रह और डिस्क्रिमिनेशन की भावना व्याप्त होती है. ये एक बहुत ही भारत का खतरनाक, समाज का एक खतरनाक पहलू है. अब दिस इज आई डिस्कस्ड अबाउट अगली साइड ऑफ प्रिजुडिस एंड वी मस्ट स्ट्राइव टू नलिफाई द कास्ट बेस्ड प्रिजुडियस इफेक्ट इन इंडिया. अब नॉट लेट अस सी ये पूर्वाग्रह के स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स जो प्रिजुडिस, प्रिजुडिस उत्पन्न कहाँ से होता है. आप ध्यान से सुने इसको कि ये उत्पन्न कहाँ से होता है. जैसे सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग अधिगम से होता है. पहले जैसे जिस प्रकार से एटीट्यूड का विकास होता है, क्योंकि प्रिजुडिस आल्सो नेगेटिव एटीट्यूड, तो उन्हीं फैक्टर्स वही फैक्टर्स के स्रोत होते हैं. जैसे एसोसिएशन, साहचर्य, किसी के साथ हम जुड़ाव महसूस करते हैं. दो व्यक्तियों में अगर पॉजिटिव एसोसिएशन होता है और उस व्यक्ति का जिसके साथ हमारा पॉजिटिव एसोसिएशन होता है किसी दूसरे समूह के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, यानी प्रिजुडियस है, पूर्वाग्रह है, तो ये लाजमी सी बात है कि उसको देखकर उस एसोसिएशन के माध्यम से हमारे अंदर भी प्रिजुडियस या पूर्वाग्रह की भावना डेवलप हो जाती है. पुरस्कार से भी प्रिजुडियस, पनिशमेंट से, ऑब्जर्वेशन लर्निंग से, कल्चरल नॉर्म से, एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन से, इन सब से पूर्वाग्रह के ये बहुत ही मुख्य स्रोत होते हैं. अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी, यानी कि मजबूत एक प्रबल सामाजिक अनैता एवं अंत समूह पक्षपात, यानी इन ग्रुप बायस. इन ग्रुप बायस क्या होता है कि जो हम जिस समूह के हम सदस्य हैं हमारे अंदर दूसरे समूह के प्रति एक पक्षपात की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम इन ग्रुप बायस का नाम देते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्केप गोटिंग, बलि का बकरा बनाना. ये ज्यादातर वहां देखा जाता है जहां पर मेजोरिटी ग्रुप होती है, यानी बहुसंख्यक लोग होते हैं, वो अपनी समस्याओं का जो ठीक रहा है वो माइनॉरिटी ग्रुप के सिर पे फोड़ते हैं कि इनके कारण, उन लोगों के कारण हमारा विकास नहीं हो पाया, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया और हमारे समाज में जितनी बुराइयां हैं सारी उनके कारण है. यानी कि उस माइनॉरिटी ग्रुप को स्केप गोटिंग करते हैं, उनको बलि का बकरा बनाया जाता है अपनी समस्याओं के लिए. ये भी एक प्रिजुडिस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. कर्नल ऑफ ट्रूथ, आप देखिए सत्य का आधार तत्व. कई बार हमें ऐसा लगता है, एक ग्रुप के सदस्यों को ऐसा लगता है कि जो हम दूसरे ग्रुप के प्रति हमारा जो पूर्वाग्रह है या उसके प्रति हमारी जो सोच है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, नहीं तो ऐसी सोच क्यों बनती. यानी ऐसी इस बात कहते हैं कुछ ना कुछ सच्चाई है, यानी कि कर्नल ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य का आधार का तत्व. इस बात को हम सत्य का आधार का तत्व कहते हैं, यानी कर्नल ऑफ ट्रूथ. अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी स्वतः साधक भविष्योक्ति. इसका अर्थ है जिस समूह के प्रति पूर्वाग्रह विकसित हो गया होता है, पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडिस विकसित होता है, कई बार वो समूह भी इस प्रकार का व्यवहार करता है कि जिससे जिस प्रकार की सोच व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में डेवलप हो रही होती है उसको वो सार्थक साबित कर देती है. यानी कि वो ग्रुप भी जिसके प्रति प्रिजुडिस या पूर्वाग्रह विकसित होता है वो ग्रुप भी ऐसा व्यवहार करने लगता है कि जिससे जो प्रिजुडिस की भावना होती है, यानी जो उसकी जो विचारधारा होती है उसको सत्य साबित करने में लगती है, सत्य साबित करने में कुछ आधार प्रोवाइड करती है, जिसे हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी स्वतः भविष्योक्ति कहते हैं. अब ये तो थे स्रोत, कहाँ कहाँ से प्रिजुडिस आता है. अब आप प्रिजुडिस का विकास कैसे होता है, पूर्वाग्रह का विकास किस प्रकार होता है. ये एक बहुत ही पुरानी एक सिद्धांत है जिसको रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी व्हाइट 1977 में उसने दिया था, यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत. ये होता है डायरेक्ट इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन सोशल ग्रुप्स. आप देखेंगे कि जो जरूरत की चीज़ें होती हैं, जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं, वो हमेशा शॉर्ट सप्लाई में होती हैं. पैसा है,
प्रॉपर्टी है, अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी होती है, धन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा शॉर्ट सप्लाई में होती हैं। तो इनके लिए कंपटीशन होता है और वो कंपटीशन कई बार प्रेजुडिस या दूसरे ग्रुप के साथ साथ में एक पूर्वग्रह की भावना को विकसित कर देता है, यानी रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, द अस वर्सेज दम इफेक्ट, ये टर्नर एटोल ने 1987 में दिया था कंसेप्ट, यानी कि हम बनाम वो, यानी कि हमारा समूह और वो समूह, दूसरे लोग, इसको हम सोशल कैटेगराइजेशन कहते हैं। लोग जो है अपने समूह के नॉर्म्स को मानना शुरू करते हैं, उसकी विचारधारा को मानना शुरू करते हैं और इसके माध्यम से दूसरे समूह के बीच के आधार पर दूसरे समूह को एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, जिसे हम सोशल कैटेगराइजेशन कहते हैं। यानी अस वर्सेस देम इफेक्ट भी सोशल पूर्वाग्रह के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर देखें सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम, ये मैंने पहले बताया किस प्रकार हम दूसरों को देखकर तीसरे समूह के प्रति एक प्रिजुडिस का विकास हमारे अंदर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉग्निटिव सोर्स, यानी स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप्स आप देखते हैं, यानी कि रूढ़ियुक्तियां, जो रूढ़ियुक्तियां होती हैं वो एक तरह से संज्ञानात्मक स्रोत होती है, एक विचारधारा होती है। रूढ़ियुक्तियां किसी भी समाज, किसी भी समूह के प्रति जो नेगेटिव या पॉजिटिव विचारधारा होती है और उसे हम संज्ञानात्मक स्रोत कहते हैं। लेकिन प्रिजुडिस के मामले में यहाँ पर जो स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं वो केवल नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं। जैसे हमारे देश में जातियों में एक स्टीरियोटाइप्स का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उत्पन्न है, लोगों के बीच में एक जाति से दूसरे जाति के बीच के लोगों के बीच में एक स्टीरियोटाइप्स काफ़ी उत्पन्न है, जो कि एक बहुत ही सोचनीय बात है। जैसे हम देखें द प्रिजुडिस में डेराइव नॉट फ्रॉम पावरफुल इमोशनल रिएक्शंस, इमोशनल भावनात्मक प्रतिक्रिया से डेवलप नहीं होते हैं, टू अदर्स बट एट लिस्ट पार्ट, यानी कुछ हिस्सा उसका होता है, फ्रॉम द वेज इन विच वी थिंक अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, जो कि कॉग्निटिव कंपोनेंट है, अदर्स एंड प्रोसेस वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन। बोडन ओशन 1988 ने बताया कि किस प्रकार से कोई भावनात्मक रिएक्शन प्रतिक्रिया से प्रिजुडिस या पूर्वाग्रह विकसित नहीं होते हैं, बल्कि उनके बारे में किस प्रकार सोचते हैं और किस प्रकार उनके बारे में जो हमारे सूचना दी गई होती है उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, ये भी प्रिजुडिस को डेवलपमेंट करने का, विकास करने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट सी, अब इस प्रिजुडिस की हमने इतनी बात करी, प्रिजुडिस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या उसके स्रोत और कैसे उसका विकास होता है, अब हम कुछ बात करते हैं इसके निवारण की, यानी ब्रेकिंग द प्रिजुडिस, कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हमारे पास होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम प्रिजुडिस को खत्म कर सकें और पूर्वाग्रह का निवारण हम कर सकें। देखिए सबसे पहले मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग प्रिजुडिस, यानी कि पूर्वाग्रह सीखने अवसरों को कम करके, कैसे, शिक्षा और इम्प्रूविंग इन ग्रुप कंटेक्ट। आपने देखा होगा कि जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग से हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक साथ जब छोटे बच्चे थे उनको एक साथ खेलने को दिया गया, अलग अलग रेसिस के, अलग कास्ट के थे, उनमें कोई प्रिजुडिस की भावना नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते चले गए तो उनके अंदर प्रिजुडिस या पूर्वाग्रह की भावना विकसित होती चली गई। कैसे विकसित हुई, ये कुछ उनको लर्निंग माहौल ऐसा मिला होगा, यानी कि हमें उस माहौल को, उन अवसरों को, जिन अवसरों से व्यक्ति पूर्वाग्रह की भावना को सीखता है उसे कम करना होगा, उसे खत्म करना होगा, और वही दो चीज़ से संभव है, एक सार्थक शिक्षा और एक जो इन ग्रुप कंटेक्ट्स होते हैं, आपस में ग्रुप्स के बीच में जो संबंध होते हैं उनको बढ़ाकर हम पूर्वाग्रह का निवारण कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, एक स्ट्रेटजी है चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से नकारात्मक अभिवृत्तियों को बदलकर हम प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह का निवारण बहुत ही सावधानी से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, डिस्करेजिंग द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी वो सामाजिक समूह जिसके प्रति लोग पूर्वाग्रह रखते हैं उनको ये समझाना होगा, शिक्षा के माध्यम से समझाना होगा कि आप जो लोग आपके प्रति जो पूर्वाग्रह रखते हैं, जो विचारधारा रखते हैं, जो चीज सोचते हैं, वैसा व्यवहार करने की कोशिश ना करें और इसको आप कम करें, यानी कि डिस्करेजिंग द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अमंग द विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडिस थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जागरूकता लानी जरूरी होगी हमें उस समूह के प्रति, पूर्वाग्रह शिकार लोगों में स्वतः साधक भविष्योक्ति की प्रवृत्ति को शिक्षा एवं जागरूकता के माध्यम से हतोत्साहित करके हम बहुत हद तक पूर्वाग्रह का निवारण कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डिस्करेजिंग नैरो सोशल आइडेंटिटी थ्रू सोशल कंटेक्ट एंड एजुकेशन, यानी कि संकुचित सामाजिक अनन्यता को हतोत्साहित करके हम शिक्षा के माध्यम से और समाज में संबंधों के माध्यम से हम
पूर्वाग्रह का निवारण कर सकते हैं। जो लोगों के बीच में मन के अंदर एक नैरो सोशल आइडेंटिटी बन गई है, मैं इसी ग्रुप का सदस्य हूँ, मेरा ग्रुप बड़ा है, मेरे ग्रुप की मॉरल एटीट्यूड ज़्यादा है, मेरा ग्रुप अच्छा है, मेरे ग्रुप में के अंदर ही सारे लोग अच्छे हैं, इस संकुचित ये सोशल आइडेंटिटी को हम नैरो सोशल आइडेंटिटी कहते हैं, इसको कम किया जाना चाहिए। ये बेकार की बात है, इससे कोई फायदा नहीं है, केवल इससे नुकसान है। इससे नुकसान ये है कि जो दूसरा समूह है उसके प्रति पूर्वाग्रह विकसित होता है। और जान लीजिए, अगर आज आप किसी ग्रुप के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं तो ये श्योर है कि आपके समूह के प्रति भी दूसरे ग्रुप्स पूर्वाग्रह रखते हैं, जिससे डिस्क्रिमिनेशन की भावना पैदा होती है और समाज में फ्रिक्शन पैदा होता है। तो हमें ये अभ्यास करना होगा, ये कोशिश करनी होगी हर कदम पर कि किस तरह से प्रेजुडिस की भावना को कम किया जाए, लोगों के अंदर उस विचारधारा को खत्म किया जाए और जो हमारे अंदर नैरो सोशल आइडेंटिटी बनी होती है, नैरो थिंकिंग जो बनी होती है उसे खत्म किया जाए। ये था आज का हमारा टॉपिक प्रेजुडिस। आपको मैं स्लाइड में, अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि जो मेरे प्रीवियस वीडियो लिंक्स हैं उनको आप इन पर क्लिक करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे मेरे से बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू, स्पेशल थैंक टू एनसीईआरटी एंड प्रेजेंटेशन ट्यूब टीम, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, एनसीईआरटी ने मुझे कंटेंट प्रोवाइड करवाए, और मैं सलाम करता हूँ एनसीईआरटी और प्रेजेंटेशन ट्यूब टीम को। फाइनली थैंक यू डियर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।